दोस्तों, द न्यूज वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। यूपी में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया है। ये दोनों पार्टियां आने वाले विधानसभा चुनाव में साथ नजर आएंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों की ओर से इस बारे में आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। दोनों पार्टियों ने ट्विटर पर इस बारे में लिखा। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर लिखा, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सपा और सुभाजपा आए साथ, यूपी में भाजपा साफ। इन दोनों पार्टियों के साथ आने से पूर्वांचल में बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती मिल सकती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ओम प्रकाश राजभर खुद विधायक बने थे और योगी सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन लगातार योगी सरकार की नीतियों की आलोचना करने के बाद उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। माना जाता है कि पूर्वांचल में राजभर और उनकी पार्टी का अच्छा खासा असर है। वैसे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का भी खूब परचम लहराता रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों की ये जोड़ी पूर्वांचल में क्या कमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।